यही नहीं, अभी और सुनिए। तो देखो भाई, अगर आप मूवीज एंड वेब सीरीज बहुत ज्यादा एंजॉय करते होगे, तो डेफिनेटली आपको किसी ना रिकमेंड किया होगा कि भाई कोबरा का शो देख लो। वो शो भाई इतना ज्यादा पॉपुलर है एंड काफी ज्यादा बढ़िया भी है। एंड भाई उन्हीं के मेकर्स की तरफ से एक नया शो नेटफ्लिक्स के लिए निकल के आया है ऑब्ली रेटेड नाम से। अभी जस्ट मैंने इस चीज को देख करके खत्म किया एंड मेरे पास वर्ड नहीं है, लिटरली मेरे वर्ड नहीं है कि मैं इस शो को आप लोगों के लिए कैसे डिफाइन करूं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर्सनली इस सीरीज को लेकर के मैं ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसके मेकर्स का जो प्रीवियस वर्क था वो बहुत ज्यादा शानदार था। भाई जो ये नया उनका कारनामा निकल के आया है, इसको देखने के बाद सच में मैं जड़ से हिल गया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट आएगी प्लीज साइड इसको कवर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो भाई, आपको इस चीज को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर सीजन 1 को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने हैं। एंड सीजन 1 में आपको जो मिशन देखने को मिलता है उसकी कहानी को खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज, सीरीज हिंदी डब में अवेलेबल है एंड इसके रेटिंग काफी बढ़िया। बट भाई जो चीज बढ़िया नहीं है, स्पेशली जो संस्कारी ऑडियंस है उनके लिए, इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आपको हर एक एपिसोड में भर भर के आपको भाई न्यूड सीन्स देखने को मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा, आदमी और दोनों के भाई हर एक पार्ट को काफी बेदर्दी के साथ इस सीरीज में शोकेस किया है। मतलब अगर आप एक ठरकी फैन हो एंड आप नेटफ्लिक्स का पॉर्न कंटेंट देखना चाहते हो, डेफिनेटली भाई अपनी ठरक मिटाने के लिए मैं यहीं पर बोलूंगा कि आप इस सीरीज को देख सकते हो। लेकिन भाई अगर इसकी कहानी की बात करें, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पूरी डिटेल भी दे रहा हूं आपको। क्योंकि इसकी कहानी जो है भाई, एक स्पेशल टास्क टीम है, उसके कैरेक्टर्स को फॉलो करती है। सब मिलकर के एक न्यूक्लियर मिशन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने शहर को बचाने की कोशिश करते हैं। बट भाई जो अपना बंदा है, जो कि विलेन रहता है, वो इतना ज्यादा चालाक रहता है कि इन लोगों का भाई चूतिया काट देता है। अब एक्चुअली में ऐसा क्या होता है, इन लोगों को फिर से उसी मिशन को क्यों कंटिन्यू करना पड़ता है, एंड क्या एट द एंड विद इन टाइम जो मिशन के लिए ये लोग निकलते हैं कंप्लीट कर पाएंगे या फिर, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख लेना। अब सीरीज की कहानी सुनकर के आपको पता चल गया कि हाँ, सीरीज में आपको एक नॉर्मल सा मिशन देखने को मिलेगा, मिशन खत्म कहानी खत्म। एंड जो ये चीज है इसके मेकर्स को पता थी, दैट्स व्हाई भाई उन्होंने इसकी फ्लैटनेस को कम करने के लिए, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हर एक एपिसोड में न्यूड सीन भर भर के डाले। इवन आपको हर एक एपिसोड में इतनी ज्यादा पार्टीज के सीन देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक बंदा पार्टी में बिजी है, ड्रग खा करके भाई वो लोग क्या मैं बोलूं, मिशन कर रहे हैं ड्रग खा करके। दुनिया की एल लगने वाली है, शहर का शहर तबाह होने वाला है न्यूक्लियर बम से, एंड लोगों को पड़ा है ड्रग, ड्रग खा करके मिशन करें। मतलब भाई इसकी जो कहानी है एंड जो प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा डम है कि अगर एक स्मार्ट ऑडियंस को देख लेना पूरा, भाई वो पागल हो जाएगी, अपने बाल नोचेंगे। इस सीरीज बिल्कुल भी स्मार्ट ऑडियंस के लिए नहीं है, इसकी कहानी में कोई दम नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन में वो एंटरटेनमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप इस सीरीज को देखने जाओगे। इवन जो इसके ह्यूमर्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, उनमें बस भाई केवल गालियां ठूस दी गई हैं, एंड उन्हीं गालियों के दम पर इसके मेकर्स आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। एंड हिंदी दब की जो गालियां हैं भाई, वो नेक्स्ट लेवल की हैं, मिर्जापुर से भी आगे की। पर्सनली मैं इस सीरीज को देखने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं आपको दो रीजन दे सकता हूं जिसकी वजह से आप इसको देख सकते हो। पहली चीज कि अगर आप एक ठरकी ऑडियंस अपनी ठरक मिटाना चाहते हो, तो हां इसके माल में उतना दम है एंड वो आपको बुला रहा है कि और अपनी शक्ति खत्म करो। दूसरा, अगर आपको चूतियापे से भरा हुआ ओवर द टॉप मसाला देखना पसंद है, सेंसलेस चीजें आपको देखना पसंद है, एंड उन सेंसलेस चीजों को देख करके आपको मजा आता है, तो इसके 2-3 एपिसोड ट्राई करो। अगर आपके टेस्ट में फिट बैठते हैं तो देख लेना, अदरवाइज स्किप मार देना, खत्म। भाई ये इस साल का वन ऑफ द वर्स्ट शो है, एंड हो सकता है कि इसका जो सीजन 1 वो हिट हो जाए केवल इसके न्यूड सीन्स और जो थोड़ा सा ब्लड वायलेंस देखने को मिलता है। जो यंग ऑडियंस अगर उसको देखेगी तो मैं भी सकता है वो एंजॉय करें, और जो एक प्रो ऑडियंस है उसके लिए भाई ये पूरी तरीके से एक डम सीरीज है। तो अगर ये हिट भी हो जाती है, रिन्यू भी हो जाती है सीजन 2 पे, क्योंकि अक्सर क्या होता है इस तरह के जो कंटेंट होते हैं नेट उनको रिन्यू कर देता है, अच्छी अच्छी चीजों को जब ऑडियंस नहीं मिलती है तो उसको भाई वो कैंसिल कर देता है। अगर रिन्यू भी हो जाएगा तो मैं इसके सीजन 2 को देखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि भाई इसका सीजन 1 इतना ज्यादा घटिया है कि मैं इसके सीजन को और करूंगा 4/10 स्टार। आपने देख लिया तो कोबरा काई के मेकर्स का जो ये कारनामा निकल के आपको कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।